वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुरुकुल अकेडमी की ओर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग नंबर सीरीज का तीसरा सेशन लेके आए हैं, और इससे पहले हमारे दो सेशन हो चुके हैं नंबर सीरीज के। उन सेशन में मैंने आपको 2017 के बैंक में जितने क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करवाया। आज मैं उसी सीरीज में नए क्वेश्चन लेके आया हूँ, जहाँ से मैंने कल आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, आज मैं उसी सीरीज से आपको सॉल्व करवाया। जिन बच्चों ने होमवर्क का क्वेश्चन सॉल्व किया है वो कृपया करके आप फटाफट थम्स अप शो करें और शुरुआत करते हैं नए सेशन की ओर। यू आर रेडी? अगर रेडी हो तो फटाफट थम्स अप शो करो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करो और शेयर करो और लाइक करो। तो शुरुआत करें नए सेशन की, ठीक? ओके, तो जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल का नाम लेते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज ये क्वेश्चन हम लोग का, ठीक? तो आज क्वेश्चन क्या है फटाफट देखते हैं। क्लियर है सारे लोगों को? ओके, चलिए ये रहा आपका नया क्वेश्चन, ठीक? आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो, इतना जल्दी हो जाए आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। जिन बच्चों को डाउट्स है वो डाउट्स भी पूछते चलो कमेंट्स में, ठीक? जितना जल्दी हो जाए फटाफट क्वेश्चन को शुरुआत करो जल्दी से। टाइमर स्टार्ट हो गया है आपका, टाइमर एंड होने पर भी है, और जो बच्चे अभी नए हैं हमारे यहाँ पे, अभी वो सेशन को आप देखो, एंजॉय करो। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर है? ओके, चलो सेशन पे आ जाते हैं। अभी आपका आंसर क्या होने वाला है देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये नंबर मुझे क्या दिखाई दे रहा है आपके यहाँ पे, ये नंबर जो है आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो कहीं ना कहीं मैं इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करूँ। क्यों? क्योंकि इनके बीच में आपका ज्यादा अंतर नहीं है। तो पहले हम लोग अंतर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है, ये आपका अंतर कैलकुलेट करो तो 12 में से 8 गए कितने बचे आपके यहाँ पे, 4। क्लियर है? अब यहाँ पे 18 में 10 मतलब कितना हो गए, 84। कोई डाउट है किसी को? ठीक, क्लियर सारे लोगों को? ओके, नाउ नेक्स्ट में आ जाओ, यहाँ पर चेक करते देखो। अब यहाँ पे 108 है और यहाँ पे कितना, 64। तो 8 में से 4 गए कितने बचेंगे आपके यहाँ पे, 4 बचेंगे पहले तो। क्लियर? 10 में से 6 गए कितने बचेंगे आपके, 4, मतलब कितना हो गया, 44। अब आगे देखते देखो, नेक्स्ट में कितना दिया गया आपका यहाँ पे, नेक्स्ट में देखते देखो। अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या है आपका यहाँ पे, 24। अब 4 में से 0 गए थे, यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा, और यहाँ पर क्या होगा आपका, 2, 24 हो गया। नेक्स्ट वाले के और बढ़ते हैं, तो 40 में 6 गए कितने बचेंगे आपके यहाँ पे, 4। क्लियर? 40 में 6 गए कितने बचेगा आपके यहाँ पे, सॉरी देखो, 40 में से आपके 6 गए तो कितने बचेगा आपके यहाँ पे, सॉरी 26। 10 में से आपके 6 गए तो यहाँ पे गए आपके 4, और फिर से मैं अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये हो जाएंगे आपके इतने आपके 14। क्लियर है? तो अब आगे कोई ऐसा नंबर रहा होगा? क्लियर सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग और चेक कर लेते कितना क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस डबल डिफरेंस निकालू तो यहाँ पर कितना हो रहा है आपका यहाँ पे, 40। यहाँ पर आप डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर कितना हो रहा है आपका यहाँ पे, 10। तो नेक्स्ट में यहाँ पर कितना होगा आपका यहाँ पे, 0। क्लियर? 0 होना चाहिए आपका, है ना? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा आपका यहाँ पे, देखो 10 का दुगना 20, ओके सॉरी, यहाँ पर कितना होगा आपका, 5 हो गया, सो सॉरी, 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20, 20 का दुगना कितना हो गया, 40। अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितना होगा आपका नेक्स्ट में यहाँ पे, 19। कोई डाउट है क्या सारे लोगों को? क्लियर है सारे लोगों को? देखो अगर यहाँ पर आपका लिखा गया है 14, तो अब मैं नेक्स्ट में यहाँ पर निकालूंगा तो यहाँ पर कितना होगा आपको, 19। पर ये 19 कैसा होगा आपको यहाँ पर, ये मुझे आप कमेंट्स बताओ कैसे होगा। 14 है हमारे पास में यहाँ पे, तो यहाँ 19 होगा क्या, बता दे चलो आप जल्दी इसमें, कितने लोग बताओगे यहाँ पर आपका 19 आएगा। ओके देखो 19 नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर कितना आएगा, 19 क्या है, बिल्कुल ही आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर क्या संख्या आएगी वो देखते देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर तो आप डायरेक्टली क्या देख रहे हो यहाँ पे देखो, कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे इस तरह से, तो ये मेरे पास यहाँ पे कितना, 14 और 5। तो आप मुझे यहाँ पे क्या बताओगे देखो, कि 5 कब आएगा, जब आपका यहाँ पे कोई संख्या कैसी होगी, यहाँ पे कैसी होगी, छोटी होगी, क्योंकि तो ये संख्या कैसे चल रही है आपकी, देखो छोटे में, ये माइनस में तो ये भी माइनस में आपका, ये माइनस में तो ये ऑलरेडी माइनस में, तो ये भी तो आपका माइनस में रहा होगा कहीं ना कहीं, ये और ये और ये भी। क्लियर है? तो अगर यहाँ पर एक संख्या है तो यहाँ पर 14 में से 5 गए कितने बचे आपके, तो आप डायरेक्टली कितना लिखोगे, 9।
कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को? क्लियर है सारे लोगों को? अगर यहाँ माइनस का 9 होगा तो मेरे पास यहाँ पे माइनस का 5 आएगा, सब में माइनस माइनस चल ही रहा है। अब आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो 26 में 9 गए तो कितने बचने चाहिए यहाँ पे? 17। क्लियर है सारे लोगों को? फिर 17 में से अगर आप 26 घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 9 बचेगा, वो माइनस का, दैट्स व्हाई हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, कितना आपका यहाँ पे? 17। क्लियर? तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही आपका क्या है यहाँ पे? करेक्ट है, आंसर रहेगा 17। कोई डाउट? सारे बच्चों को क्वेश्चन आना चाहिए। क्लियर है? ओके क्लियर है, तो फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ, सॉल्व करो जल्दी से, जितना जल्दी हो जाए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उड़ाते चलो यार फटाफट, है ना? हलवा, बिल्कुल हलवा खाते चलो आप तो इस तरह से, पर ऐसा भी नहीं गरम गरम हलवा खाना है, ठंडा करके ही खाना है। तो जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो, करो करो क्वेश्चन, क्या रहेगा आपका आंसर? जल्दी से, टाइमर एंड होने पर। अच्छा, कुछ बच्चों को आपको यहाँ पे डाउट हो रहा होगा, उन बच्चों को जो डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं यार, जल्दी से करो यार। सीरीज है, ओके टाइमर एंड करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो नंबर बहुत पास पास के हैं, तो नंबर पास पास के हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया, इनके बीच का मैंने डिफरेंस कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर कितने का हो गया आपका यहाँ पे? तो ये 1 का हो गया भाई साहब, यहाँ पर आपका हो गया तो ये कितने हो गया? 4 का हो गया। फिर यहाँ पर आप बोलोगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या है आपका यहाँ पे 98 और 89। यहाँ पर आप डायरेक्टली कितना लिखोगे? 9 का, वो डाउट है क्या? अगर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 है, 4 में 60 गए कितने हो गए आपके यहाँ पे? बताओ बताओ बताओ, वो 4 में से 8 गए तो यहाँ पर कितना हो गया? 6। तो ये कितना हो गया आपका? 36, 36 के 16। ओके तो ये हो जाएगा आपका कितना? 16। ओके यहाँ पर कितना हो गया आपका यहाँ पे? नेक्स्ट में कितना हो गया आपका? 16। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो बहुत पहचाने के नंबर हो गए भैया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, नेक्स्ट में होगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कितना होगा यहाँ पे? 25। तो 25 क्या होगा? 5 का स्क्वायर। तो 25 अगर यहाँ पर है तो 6 और 5 9, मतलब 139। ऑप्शन कौन सा है आपका यहाँ पे? फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर, 139 आ जाएगा। वो डाउट है क्या? आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए, सारे बच्चों को क्लियर। ठीक भाई, फटाफट करो यार। अब कुछ बच्चे, मैं अगेन कहना चाह रहा हूँ, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर आपको रटा रटा है क्या? नहीं यार, प्रैक्टिस से आएगा यार। देखो क्वेश्चन आपके जितने बनाने हैं आपको सारे प्रैक्टिस को डिपेंड करेगा, जितने जल्दी हो जाए आप सॉल्व करते चलते। क्लियर, बढ़ते हैं नए क्वेश्चन। ये रहा आपका नया क्वेश्चन, इसके लिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है ना, NICL 2017 का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद भी आपके कमेंट्स देखता रहता हूँ, भाई मोबाइल पे क्या आपके कमेंट्स आ रहे हैं। बनाओ यार क्वेश्चनों को, हो गया क्वेश्चन क्या? जल्दी से सॉल्व करते चलो यार। चलिए ठीक है, टाइमर एंड होने पर है, शुरुआत करते हैं। डिफरेंस कैलकुलेट करो पहले, तो यहाँ पर 6 यहाँ पर था कि अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करूँ, तो मैंने डिफरेंस कैलकुलेट करके देखा कितना डिफरेंस आएगा आपके यहाँ पे। देखो ये हो जाएगा 6 में से 5 गए, 1 बज गए आपके यहाँ पे, नेक्स्ट में मेरे पास कितना 141, इसका डिफरेंस और कैलकुलेट करो। नेक्स्ट में कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे? 13, 13 में से सॉरी 13 में से 6 गए कितने बज गए आपके? 7। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे? ठीक है, 97 हो गया। यहाँ पर और डिफरेंस कैलकुलेट करो, 4 में से 3 गए कितना बचेगा? 1। क्लियर है। अब यहाँ पर गए 34 में से 38, तो कितना हो जाएगा? 6, मतलब 61 हो गया। क्लियर, कोई डाउट है क्या किसी को? नेक्स्ट वाले में आ जाओ। 7 में से 4 गए कितने बचेंगे यहाँ पे? 3। क्लियर है। और यहाँ पर कितना हो गया? 37। 37 में से 4 गए कितने हो गए? 33। क्लियर है यहाँ तक सारे लोगों को। अब देखो हम लोगों को पहला डिफरेंस में कुछ मिल नहीं रहा है, सेकंड वाले डिफरेंस पे आ जाओ। इसमें क्या देखते हैं? देखो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसमें, तो नेक्स्ट में कितना हो जाएगा? 97 है, करेक्ट है आई थिंक, 186, 28, 97। ओके करेक्ट करेक्ट, ठीक है। ओके देखो नेक्स्ट में आ जाओ, एक डिफरेंस और कैलकुलेट करते हैं, डबल डिफरेंस की बात और कर लेते हैं यहाँ पर, कि डबल डिफरेंस में क्या आ रहा है आपका आंसर? देखो 97, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका यहाँ पे? 11 में से 7 गए, ठीक है, 11 में 7 गए कितने बचेंगे आपके? 4।
क्लियर कितने हो जाएंगे यहाँ पे आपके, चार। ये बस सबको क्लियर हो रही कि नहीं? यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर कितना होगा आपका, यहाँ पर चार हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर देखोगे आप लोग 13 में से 4 गए थे, ये कितने 44 हो गए। नेक्स्ट इसको देखो तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 7 में से एक गए थे, यहाँ पर कितना हो गया आपका 6, तो ये हो जाएगा कितना आपका 36। अब नेक्स्ट इसको देखोगे तो यहाँ पर कितना और आपका 11 में से 3 गए, तो यहाँ पर बच जाएंगे कितने 8, और यहाँ पर कितना हो गया आपका 28, क्लियर। ओके अब देखो यहाँ पर आपको पता चलने लग गया कि इनके बीच में क्या है, 8-8 का डिफरेंस। ये क्या है आपका 8 है, तो अगर इनके बीच में 8 का डिफरेंस है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने का हो रहा है 8 का, तो यहाँ पर नेक्स्ट में कितने का होगा 8 का होगा। तो अगर 8 का डिफरेंस होगा तो यहाँ पर संख्या क्या होगी, 28 में से 8 और कम करो, तो 28 में से 8 कम करोगे तो यहाँ पर कितना होगा 20। और अगर यहाँ पर 20 है, क्लियर है, यहाँ पर 20 है इस वाले लेवल पे, तो अगर यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर कितना होगा 33, और 20 कितना होगा 53, क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है। 53 में से अगर आप लोग यहाँ पर माइनस करो किसको आपको यहाँ पे सॉरी ये कम आएगा, ओके ओके सो सॉरी, यहाँ पर कितना होगा आपका 13 होगा, ठीक है, यहाँ पर कितना होगा आपका ये 20, तो यहाँ पर कितना होगा आपका 13, तो यहाँ पर आप सॉल्व कर दो, यहाँ पर कितना आएगा 13, क्लियर, 13 तो ये हो गया। अब 13 नेक्स्ट में अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर एक संख्या और मुझे चाहिए यहाँ पे, क्लियर, तो उनका डिफरेंस मुझे यहाँ चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगी इससे एक बड़ी संख्या होगी, 7 और 3 कितने होगी 10, 10 का कितना होगा आपका 0, तो यहाँ पर कितना होगा 390 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में थर्ड क्या रहेगा इसका, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक, सारे लोगों को ऐसा होगा, क्लियर, ठीक, ओके दैट इज वेरी गुड। अगर सारे लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आंसर, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसके लिए टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ, शुरुआत करो फटाफट सॉल्व करते चलो, जितना जल्दी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। बन रहा है क्वेश्चन, बनाते चलो यार, जितना जल्दी हो जाए क्वेश्चन बनाते चलो, ठीक। देखो पहले लग रहा है आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन, तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें वो हम लोग को चेक करना है, ठीक। सबसे पहले तो ये बताओ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। करते चलो क्वेश्चन फटाफट यार। ओके आपका टाइमर एंड होता है राइट नाउ। देखो क्वेश्चन अगर ये मल्टीप्लाई की सीरीज है तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं किससे, मल्टीप्लीकेशन से। अगर ये मल्टीप्लीकेशन की सीरीज है तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व चेक किया, देखो 2 से मुझे क्या चाहिए आपका, यहाँ पे 4 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि आपका 2 एकम 2 और प्लस का मैंने 2 किया, तो कितना हो गया आपका यहाँ पे 4। अब मुझे 4 से क्या चाहिए आपको, 11 चाहिए, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, प्लस का 3 करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 11। अब 11 इंटू कितना करें हम लोग यहाँ पे, तो 11 तैतीस, क्लियर, तो 11 तैतीस हो गया, प्लस का 4 करोगे तो यहाँ पर कितना होगा 37, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, 37 इंटू में कितना करें आप 4 टाइम्स, प्लस में कितना करना पड़ेगा 5 में, तो 27 28 28 और 5 13, तो 153 हो गए, क्लियर है सारे लोगों को, ओके, तो यहाँ पर कितना होगा 153। अब 153 इंटू में कितना करेंगे हम लोग 5 गुना, और प्लस में क्या करेंगे 6, आ रहे बस में, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 6 5 6 30 हो गया 30, और यहाँ पर कितना हो गया 7 71, क्लियर है, आ रहे हो समझ में, कि देखो 3 5 15 15 और 6 21 किसका एक हो गया यहाँ पे, तो ये 5 और 7, तो नन ऑफ इसका ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट है, ठीक है, 5 ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो गया, क्लियर सारे बच्चों को, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्लियर सारे लोगों को, ओके अगर क्लियर है तो फटाफट बताते चलो, क्लियर, ओके। NICL 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था रैपिड फायर सिचुएशन, मतलब एक तरफ फटाफट करते चलो यार, कुछ ज्यादा डाउट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसके लिए टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ, जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चन को फटाफट करते चलो यार, 2014 के IBPS क्लर्क टीम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये जल्दी करो यार, ये तो वैसे विदाउट पेन ऑन पेपर क्वेश्चन लग रहा है, देखने पे लग रहा है इस क्वेश्चन का क्या आंसर करोगे आप, अरे बस फटाफट करते चलो यार। अगर ऑप्शन यहाँ पे लिख दूँ कि एक 200 लिख देता हूँ, एक 195 लिख देता हूँ, एक 190 लिख देता हूँ, एक में 205 लिख देता हूँ, यहाँ पे एक 210 लिखती है, ठीक है, आप तो ऑप्शन कर सकते हो, करो 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 जल्दी से फटाफट सॉल्व करो यार, जितने जल्दी हो जाए, एक नाना भी इसका ऑप्शन सॉल्व ले लेते हैं। अच्छा कुछ बच्चे कर रहे हैं 200 आंसर, देखते हैं क्या आंसर होगा आपका यहाँ पे। चलो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, टाइमर एड हो गया, देखो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो क्या होगा 195 और 20 कितने का डिफरेंस हो रहा है आपका, यहाँ पे बताओ कितने का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर आप डिफरेंस लिखो कितने का डिफरेंस है यहाँ पर इनमें, तो आप कहोगे यहाँ पर कि यहाँ पे 25 का डिफरेंस, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 20 का है,
ठीक, यहाँ पर कितने का हो रहा है आपका, यहाँ पे 15 का, ठीक। अब माइनस प्लस जो भी हो रहा है वो बाद में देख लेंगे, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। देखो आप अगर यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो रहा है, ये 25 का, क्लियर। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है आपका 20 का, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है ये 15 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो रहा है आपका 10 का। अब देखते देखो ये जो प्लस का है तो ये क्या है आपका माइनस का, तो ये फिर क्या हो गया प्लस का, तो इसको प्लस लिख दो, इसको माइनस, और इसको फिर क्या लिखोगे माइनस। तो अब नेक्स्ट क्या होगा आपका, प्लस का 5 होगा, क्लियर है बात समझ में। अब 205 और 5, तो यहाँ पर कितना होगा 210 होगा, क्लियर है बात समझ में आ रही सारे लोगों को, आई थिंक क्लियर। तो 205 घटाओगे 210 में से 5 आपको आंसर मिलेगा, तो दैट्स व्हाई हमारा ऑप्शन क्या होगा, 210 वाला कौन सा ऑप्शन था, ये वाला, ये वाला। तो 210 क्या हो जाएगा इसके लिए, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है सारे बच्चों को, क्लियर हो तो फटाफट यार शेयर करो, आई थिंक क्लियर हो गया है, क्लियर है, फटाफट आप बताओ, क्लियर। ओके नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपका नया क्वेश्चन, ठीक। आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करते चलो बस, जितना जल्दी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो बस, बराबर हाँ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, विद इन सेकंड क्वेश्चन, 20 सेकंड का टाइमर दिया था इसको, इसके लिए तो आई थिंक कितना 10 सेकंड का टाइमर बहुत है ना, बैंक अगर आप बैंक के लिए क्वेश्चन सॉल्व करो 10 सेकंड सफिशियंट है इसके लिए, जल्दी से बनाओ बनाओ, ठीक है। टाइमर में जल्दी एंड कर रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखो अगर 216 मुझे चाहिए तो मैंने आपको इंटू किया कितने 8 गुना है, अब ये कितना है इसका 4 गुना है, ये इसका कितना है 2 गुना है, और ये किसका इसका 1 गुना है, तो अब ये क्या होगा इसका 0.5 गुना, मतलब आधा होगा, तो 128 का आधा कितना होता है 64, क्लियर है। तो 64 जो रहेगा आपका यहाँ पे क्या रहेगा इसके लिए करेक्ट आंसर है, कोई डाउट है क्या सारे लोगों को, क्लियर 64 क्या रहेगा इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही। जितने लोगों ने 64 आंसर किया उन सभी सभी लोगों के लिए तालियां होगा, क्लैप्स, गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, दो क्वेश्चन और फटाफट में सॉल्व करो, जितना जल्दी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करो, टाइमर आपका स्टार्ट होता है राइट नाउ, जल्दी से करो। चलो क्या क्वेश्चन पूछा गया, किस तरह सॉल्व करना है, टाइमर 20 सेकंड ही दे रहे हैं, पर फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो, जितना जल्दी हो जाए इसको सॉल्व करो, जल्दी से करते चल रहा है। आई थिंक यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे डिफरेंस होगा, चलो देखते हैं क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। करे क्वेश्चन को, चलो देखो क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस देखता हूँ कितने का हो रहा है 2 का, यहाँ पर डिफरेंस देखो कितना हो गया 5 का, तो यहाँ पर कितने का हो रहा है आपका 10 का, तो यहाँ पर मुझे चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए, ठीक है। तो आप फिर से एक बार और कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ पर कितना हो गया ये 5 में से ये गए तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग 3 5 है, तो यहाँ पर कितना होगा आपका 2 का अंतर, तो 7 होना चाहिए, ये बात सबको क्लियर आ रही है, क्लियर सारे लोगों को। अगर यहाँ पर 7 है तो मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ, देखो अगर ये 10 है तो यहाँ पर कितना होगा आपका 17 होगा, क्लियर। अगर यहाँ पे 17 है तो नेक्स्ट में 17 और 7 कितने होगा, 7 7 14 का 4 हो गया आपका यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना होगा आपका 54, क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका कितना 54, और 54 के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, अगर 54 यहाँ पर था तो यहाँ पर कितना होगा आपका, यहाँ पे 7 में 4 गए तो कितने बजे आपके 6, क्लियर है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको 26, तो आप फिर से माइनस करोगे यहाँ पर कितना होगा 9, दैट्स व्हाई 54 क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 54, अरे बस समझ में सारे लोग, 3 5 7 और 9 दो दो का डिफरेंस था, दैट्स व्हाई यहाँ पे कितना होगा 54 करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक हो गया। लास्ट के 2 क्वेश्चन और है, फटाफट क्वेश्चन बनाओ, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट होता है आपका राइट नाउ, जल्दी से करते चलो आप क्वेश्चन बनाओ, बनाओ क्वेश्चन को, जल्दी से क्वेश्चन बनाओ, जितना जल्दी हो जाए आपको क्वेश्चन बनाने फटाफट करो है ना, फिर नए स्टार्ट करेंगे इसके बाद, बराबर आओ क्वेश्चन। चलिए आपका टाइमर 8 होता है, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। वैसे मल्टीप्लाई की सीरीज लग रही है, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये 2 का कितना गुना हो रहा है आपका यहाँ पे, कहीं ना कहीं कितना गुना है आपका यहाँ पे, इसको आप चेक करते हैं, तो ये 8 का इसके पास पहुंचोगे तो कितना है आपका 3 गुना है, ठीक है। और ये भी क्या है आपका यहाँ पे इसके नियर बाय में 3 गुना है, और ये फिर से क्या है आपका यहाँ पे इसके नियर बाय में 3 गुना है, तो ये भी क्या है इसका 3 गुना ही है, क्लियर है बात समझ में। तो 2 + 6 और प्लस का कितना करोगे यहाँ पे आप 2 करोगे, ठीक है। अब 8 + 24 प्लस का कितना करोगे आप 2, क्लियर है। 6 + 3 = 18, 78 प्लस का क्या करोगे आप लोग 2, और यहाँ पर क्या हो गया आपका
आठ का 3 में 0 0 और तो 42 40 और ये प्लस का 2 क्लियर है। तो नेक्स्ट फिर इसको सॉल्व करोगे तो इंटू 3 और माइनस सॉरी प्लस 2 करोगे तो आप सॉल्व करोगे 242 इंटू में 3 और प्लस में कितना करोगे 2। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे कितना 3 दूनी कितना हो गया 6 क्लियर, और 4 3 कितना हो गया 12 का 2 और 3 2 कितना 6 और 1 7 और प्लस का 2 करोगे देन यू विल गेट आंसर 728 करेक्ट है। तो 728 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा 728 ठीक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आज के सेशन बस इतना ही, नेक्स्ट वाले सेशन में फिर से मिलते हैं। आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ठीक, जितना हो सके शेयर करें। भाई प्रॉब्लम ये है कि उनको भी कहीं ना कहीं आप पता चले कि भाई वो क्या पढ़ रहे हैं आप क्या पढ़ रहे हो, उनके बीच में इन दोनों के बीच में तालमेल हो। तो सेशन के आज एंड करते हैं, जय श्री महाकाल, मिलते कल नए सेशन में, अपना ख्याल रखिए ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।